किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने कही ये बात। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साई ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन पर कहा है कि वो उनकी स्वतंत्रता है, हम क्यों हस्तक्षेप करें, इस गठबंधन से यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कहा कि चंद ऐसे लोग हैं जो सरकार और किसानों के बीच हल नहीं निकलने दे रहे हैं। वहीं लोकतंत्र में किसी समस्या के लिए वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। मोदी जी ने, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अनेक वार्ता उन किसानों के साथ किया है और प्रयास इस बात का किया है कि समस्या का निराकरण किया जाए। कुछ लोग हठधर्मिता के साथ बैठे यदि हैं और कोई हट यह कि ये जो किसानों के हित में किया जा रहा है, जो कानून लाया गया है उस कानून को समाप्त कर दो, तो मैं समझता हूँ कि यह हठधर्मिता लोकतंत्र में नहीं चलती है। संवाद ही एक रास्ता है और संवाद के लिए बार बार 7 बार जो है भारत सरकार के साथ बैठकें हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि MSP पर खरीदारी बंद नहीं होगी। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि APMC जो के त्यों चलते रहेंगे, अलग से बाजारों का जो विकल्प है वो विकल्प भी खोला जाएगा, जिससे किसानों के बीच से बिचौली हटाए जा सकें और किसानों को सही कीमत मिल सके। APMC के बाहर मंडी शुल्क नहीं लगने के कारण किसानों को काफ़ी उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2.5% और पंजाब जैसे राज्य में 8% का लाभ होगा। यदि वो 1,000 रुपये का सामान बेचते थे तो 80 रुपये उनको मंडी शुल्क के रूप में दे दिया जाना पड़ता था, उससे तो उनको भी छुटकारा हो जाने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को जो बीच में आकर के हठधर्मिता पर बैठे उन्हें क्या बेचैनी है। यदि किसान का हक किसान को मिल रहा है, किसान को इस बात की सुविधा हो रही है कि वो जा करके कहीं पर भी अपने सामान को बेच सके जहां उसको बेहतर कीमत मिल सकती है, तो उसमें उन्हें क्या तकलीफ हो रही है ये मैं नहीं समझ पा रहा। और यदि उनकी व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी तो क्या कारण था कि किसान कर्जदार हो गया? क्या किसान था कि उस समय किसान आत्महत्याएँ कर रहे थे, अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे पर झूल जाते थे? आज उस व्यवस्था को मोदी जी की सरकार ने बदला है, MSP की 1.5 गुने कीमतें की हैं। यूपीए के 2009 से लेकर के 2014 तक 2013-14 में धान की कीमत 1310 रुपये थी, गेहूं की कीमत 1400 रुपये थी। अभी हमने गेहूं की जो है वो 1885 रुपये दिए हैं राज्य के भीतर, 1868 रुपया हम दे रहे हैं इस समय धान की कीमत। तो कितना बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार ने किया है जिसका फ़ायदा किसानों को गया है। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के भीतर 2,30,00,000 किसानों के खातों में लगभग 24,000 करोड़ रुपए पिछले 1.5 वर्षों के भीतर ट्रांसफ़र हो गए और वो किसानों को सीधे जाकर के उनके खातों में मिल गए। देश के 9 करोड़ किसानों को जा रहे हैं, तो उन्हें तो बेचैनी इस बात के लिए है कि ये सब वो नहीं कर सके, वो विफल और असफल हो गए। मोदी सरकार ने ये किसानों के हित में जो कल्याणकारी योजनाएँ लाई हैं और भी लाने का जो उनका संकल्प है कि किसानों की आमदनी 2 गुना हो सके, उसके लिए जो बाजार की सुविधा